News 18, India. दिल्ली सहित पांच राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में चार सीटों पर आम आदमी पार्टी और तीन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दो सीट देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी गुजरात के भरूच और भावनगर सीट से चुनाव लड़ेगी, तो वहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र सीट दी गई है। गोवा की बात करें तो गोवा में कांग्रेस दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ सीट भी कांग्रेस को ही दी गई है। हालांकि पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, ये बात भी साफ हो चुकी है। तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो तय हो चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। दिल्ली समेत पांच राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि पंजाब में दोनों ही पार्टियां चुनाव अलग अलग लड़ेगी, क्योंकि ये बात पहले ही तय हो गई थी कि वहां की जो राज्य इकाई है दोनों पार्टियों की, उनका ये कहना है कि अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और यही वजह है कि यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। दोनों पार्टियां जहां पांच राज्यों में सात चुनाव लड़ेंगी, वहीं पंजाब पर दोनों पार्टी में सहमति नहीं बन पाई है। दो अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तीन पर प्रत्याशी रखने के बाद भी सातों पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। इंडी गठबंधन में सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीट बंटवारे की पहली बाधा पार कर ली है। 2019 में बीजेपी को सभी सात सीटों पर भारी जीत मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी से कितनी सीट छीन पाती है, या फिर 2014 और 2019 वाला ही परिणाम इस बार भी आएगा, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। इसी तरह दिल्ली में कुल सात लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चार और कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संभव है दो अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तीन पर प्रत्याशी रखने के बाद भी सातों पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। अगर बात करें दिल्ली में हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की, तो यहां भी लगातार पिछले दो लोकसभा चुनाव से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। यहां भी बीजेपी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में चुनौतियां नजर आएंगी, क्योंकि मोदी विरोधी वोट को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं, जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। गठबंधन बनाने के लिए सबसे अहम सूत्र यह है कि सबसे मजबूत ताकत के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ने में ही समझदारी है। विपक्ष इस वक्त देश में बीजेपी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानता है, और ऐसे में उसे हराने के लिए उसे एक बेहतर विपक्ष गठबंधन बनाने के लिए तैयार करना भी जरूरी।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का निशाना यूपी की रैलियों में परिवारवाद पर है। मुरादाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी राहुल और प्रियंका ने यहां पर अखिलेश की पार्टी के लिए प्रचार किया है और शायद इसीलिए परिवारवाद के सवाल को प्रधानमंत्री लगातार अहम मुद्दा बना रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी, वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित पिछड़ा आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने। अहम बात यह है कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है जहां कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। यहां भी फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे, खास तौर पर जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर कार्यकर्ता पहले है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है इससे क्या लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ सीट पर समझौते के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई है, लिहाजा दोनों दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन राज्यों के अलावा भी अभी बिहार की 40 सीटों पर राहुल और तेजस्वी के बीच सीट शेयरिंग मार्च को होनी है। महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर भी 27 फरवरी को होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में फाइनल शेयरिंग फार्मूला आ सकता है।